है, आप इनके पास शेयर कीजिएगा। सभी को जय जिनेन। हम सागर जिला के बंडा से आए हुए हैं, बंडा से आए हुए हैं। हमारे लिए ओवरी में सिस्ट थी, तो उस सिस्ट में हमें वो टीवी की गांठ बताई थी वो, तो उसका ऑपरेशन हुआ, तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गई जिससे हमारे लिए मतलब कुछ और समस्याएं आई, तो थोड़ा हम डिप्रेशन में चले गए। फिर हमारे यहाँ प्रशांत सागर जी महाराज जी आए, तो उनके हमारे यहाँ आहार हुए। उन्होंने हमें बताया कि पथरिया में एक अनामिका दीदी हैं, आप उनके पास जाओ, उनसे हीलिंग लो तो आपका सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उनसे हीलिंग लेना शुरू किया, तो धीरे धीरे मतलब मुझे पहली ही बार में इतना अच्छा लगा। मैंने जैसे ही उन्होंने जो जो बताया किस तरह से करनी है हीलिंग, मैंने करी, मेरे हाथों में वाइब्रेशन आया। और मेरा ऑपरेशन हुआ था तभी मैं एक करवट भी नहीं ले पा रही थी अपने आप से, लेकिन मैं बिल्कुल तुरंत ठीक हो गई उनके हीलिंग लेने से। मतलब मैं 2 दिन के अंदर मैंने वो दर्द की दवाई लेना बंद कर दी थी, जबकि मैं 2 टाइम दर्द की दवाई ले रही थी। मुझे हीलिंग से बहुत अच्छा फायदा हुआ और ऐसा लगता है कि मैं भगवान के बहुत समीप आ गई हूँ। और आज 8 महीने हो गए हैं, लेकिन मेरी समस्या ही कुछ ऐसी है कि वो जल्दी निवारण नहीं हो पा रहा। लेकिन जितनी बार भी मैं डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ तो मेरी एक एक समस्याएं खत्म होती जा रही हैं। इसलिए मुझे भक्तांबर से बहुत ज़्यादा फायदा है। उन्होंने मुझे मंजू दीदी का भी नाम बताया और भी जो उनके सहपाठी जन हैं सबका बताया, तो बहुत इच्छा थी कि उनसे मैं मिलूं, और आज मेरी इच्छा भी पूरी हो गई। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हीलिंग करवाई, मुझे इतना अच्छा मंदिर देखने को मिला, इतने अच्छे भक्तांबर को इतने अच्छे से संजो कर रखा है कि जिन्होंने अपने जो गहने वगैरह भी रहते हैं उनका भी अपना गलवा के और सब भक्तांबर के मंत्र वगैरह उसमें लिखवाए गए हैं। उनकी श्रद्धा देखो, उनकी श्रद्धा देख के मुझे में भी और श्रद्धा बढ़ गई है। मुझे बस मुझे मैंने मांगा था भगवान से कि मुझे मंदिर जाने मिलने लगे, तो आज भगवान ने मेरी एक कमी तो अभी रह गई, लेकिन मुझे इच्छा पूरी हो गई कि अब मैं मंदिर जाऊंगी, पूजन करूंगी। इसलिए मैं सभी से कहूंगी कि इतनी श्रद्धा से करो इस भक्तांबर को, जब मानतुंगाचार्य जी के 48 ताले खुल सकते हैं तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं। उनको बहुत जल्दी हो गया क्योंकि वो महाराज जी थे, रिद्धियों के धारी थे, उनकी श्रद्धा अटूट थी। हम में भी तो है श्रद्धा, हम अपने जैन धर्म में भक्तांबर को सबसे ज्यादा मानने वाली हैं। तो हम सभी अटल श्रद्धा करें, जो दीदी लोग जिन जो भी जिन दीदी लोग से जिससे भी हीलिंग लेते हैं बहुत भक्ति भाव से लें, और बस यही कहे कि मेरा सब रोग दूर हो गया है, मुझे पता है कि अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ यहाँ आके। अब बस डॉक्टर यही बोलेंगे कभी भी जाऊँ मैं दिखाने कि क्या चमत्कार हो गया, जो 1.5 साल का बोला था वो तुम इतने जल्दी रिकवर कैसे कर रही। मतलब मुझे यही विश्वास है, मेरे आचार्य श्री ने मुझे उद्बोधन दिया प्रवचन में, मुझे लगा मुझे ही अब प्रवचन दिया है ये। उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। बड़े बाबा का आशीर्वाद मुझ पर है, कृपा हमेशा बरसती है। मैं जब भी आती हूँ नागपुर दिखाने, मुझे लगता है मेरे बड़े बाबा मेरे साथ आ रहे हैं, हर जगह देखते हैं मुझे। बस यही श्रद्धा सबको बनाए रखना है। और बस सब दीदी लोग जो हीलिंग देते, भैया लोग जो भी देते हैं, ऋषभ भैया हैं, सब बहुत भक्ति भाव से देते हैं, इसलिए सबको बहुत बहुत मेरा आभार है। और सब ऐसे ही धर्म करते रहें, धर्म की यही वृद्धि हो सभी में, और हमारी बुद्धि के विकारों का नाश हो, और हमारा मन पूरा बिल्कुल सकारात्मकता से भर जाए, यही मेरी भावना है। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। आज सुबह जब मुझे फ़ोन आया था, तो प्रतिभा जी का भी मुझे फ़ोन आया था कि मुझे मंजू दीदी के घर जाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं लेके चलती हूँ। मैंने मंजू दीदी को फ़ोन किया तो वो मुझे सौभाग्य से घर पे मिल गई, क्योंकि उनको घर में लेना है बहुत बड़ा हमारे लिए टास्क होता है। फिर मेरे घर में उसी समय अभिषेक चल रहा था, मेरे पापा अभिषेक कर रहे थे, तो इन सभी को मैंने अभिषेक दिखा दिया अपने घर पर, और हम लोग अभी इनको यहाँ पर ले करके आए। हमने भक्तांबर का बहुत अच्छे से पाठ किया और सभी के लिए पाठ किया है, तो हम सभी के लिए यही भावना बात है कि सभी स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, और ये अपने घर पे खुशी खुशी रवाना हो गई हैं। तो चलिएगा इसी के साथ, सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। फिर हम मिलते हैं, आपको कुछ कहना है। भक्तांबर की महिमा से बहुत बहुत फायदा हुआ है, सब लोग इसी को रोज करें, अच्छे भक्ति भाव से करें, सबको जय जिने। भक्तांबर महाकाव्य बहुत बड़ा अपने आप में महाकाव्य है, इसे मानतुंगाचार्य के द्वारा
रचित किया गया है। इसके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो मंत्रों के द्वारा किया जाता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि इसको बड़े भक्ति भाव से शुद्ध मन से ध्यान करिए कि आपके मंत्रों से भी आपके कार्य सिद्ध हों। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।